नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। और दोस्तों आज की क्लास जो होने वाली है वो मैथ की क्लास होने वाली है। देखिए काफी दिनों से मैथ की क्लास रुक गई थी, लेकिन अब जो मैथ की क्लास आपकी चलेगी वो रेगुलर चलेगी। मतलब एक दिन आपका मैथ, उसके बाद एक दिन हिंदी, फिर आपका अगले दिन मैथ और अगले दिन हिंदी। तो इस तरीके से करके हम लोग ये दो सब्जेक्ट अभी कवर करते चलेंगे बराबर। बीच में और भी सब्जेक्ट आपको मिलते रहेंगे जैसा भी मुझे समय मिलेगा, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि जॉब के बाद कितना टाइम मिलता है। ठीक है, तो देखिए आप लोगों को इस तरीके से क्लास प्रोवाइड होंगी, तो उसके लिए आप एकदम तैयार रहिए। जो भी वीडियो के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वीडियो की तैयारी करने वाले, तो वो भी परेशान ना हो। हिंदी की जो भी क्लास होंगी वो क्लासेज आपको रेगुलर मैं कर दूंगा, जैसे मुझे लगेगा कि अब जो है यहां से जरूरत है तो मैं हिंदी की रेगुलर क्लास आपको देने लगूंगा, ताकि हिंदी का आपका काम जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल रही है हिंदी की, वो वीडियो आप कवर कर लीजिए। ठीक है, और अगर आपको अभी तुरंत जरूरत है तो सबसे नीचे प्लेलिस्ट में जाइए और हिंदी मैंने पूरा लगभग पढ़ा रखा है, आप उसको वहां से कवर कर लीजिए। ठीक है, तो फिर मैं ये वाली क्लास पढ़ाऊंगा तो ये आपका रिविजन हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं साधारण ब्याज, मतलब सिंपल इंटरेस्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बेसिक समझेंगे इसका। देखिए जब भी आप कोई भी चीज पढ़िए, आप ऐसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं कि आपको बेसिक भी समझना है, आप चाहे सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो या केवीएस की तैयारी कर रहे हो, आपको ये बेसिक एकदम अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले बेसिक समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस को हल करेंगे। सबसे पहले देखिए आपको सिंपल इंटरेस्ट पढ़ना है, बाकी की क्लासेज लाभ हानि है, प्रतिशत है, भिन्न है, सब मैं पढ़ा चुका हूं। आप जाइए वहां पर देखिए, क्लासेज इतनी बेहतरीन आपको मिलेंगी, आपके दिमाग में अगर मैथ जीरो है तब भी आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का फार्मूला आप सभी को पता है कि सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। लेकिन क्या आप लोगों में से किसी को यह पता है कि ये 100 से भाग क्यों होता है, या मूलधन का दर से गुणा क्यों होता है, या समय का दर से गुणा क्यों होता है, इन सब का गुणा क्यों होता है? ये सारी चीजें आप नहीं जानते होंगे, इसीलिए मैं कहता हूं कि आप कितनों भी अच्छे हो मैथ में, लेकिन जो बेसिक्स होते हैं वो आपके क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लियर करते हैं। सबसे पहले ये क्लियर करने से पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। ठीक है, आप कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिए। जैसे देखिए आपको मिश्रधन मूलधन है, ब्याज है, मिश्रधन है, ये समझना पड़ेगा थोड़ा सा। तो चलिए हम लोग समझ के देखते हैं। मान लीजिए सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि ये मूलधन ब्याज और ये सब होता क्या है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जैसे आप कहीं पर मकान लेते हैं किराए पर। ठीक है, आप गए किराए पर, आपने मकान लिया, तो ये जो किराए पर आपने मकान लिया ये मकान मालिक का घर है, मतलब उसकी पूंजी है। ठीक है, पूंजी है ना, और ये है आप, आपको किराए पर मकान चाहिए। आपने जो है क्या किया, किराए पर मकान लिया, मतलब कि मकान मालिक ने अपना धन, अपनी पूंजी जो है आपको दिया। क्या दिया, अपनी पूंजी आपको दिया, मतलब पैसा समझ लीजिए या कुछ भी समझ लीजिए, घर का कुछ ना कुछ तो मूल्य होगा ही। अब आप क्या करते हैं, इस मकान के बदले मकान मालिक को क्या देते हैं, किराया देते हैं। क्या देते हैं दोस्तों, किराया देते हैं। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है मकान मालिक कितना किराया ले रहा है। मान लीजिए कि ये मकान 100 रुपए का है और मकान मालिक ने आपसे 10 रुपया किराया लेना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये चीज आपको बस इतना समझना है। अब यहां पर समझिए, मकान मालिक ने जो आपको दिया वही है मूलधन। क्या है मूलधन, मतलब इस घर में तो पैसा लगा ही होगा मकान मालिक का, मान लीजिए 100 लगा है, तो ये 100 क्या हो गया, मूलधन। और इसके बदले में जो आप किराया दे रहे हैं, यही क्या है, मकान मालिक का घर अपने पास रखने के बदले में आप किराया दे रहे हैं, वही किराया क्या है आपका जो है ब्याज होता है। क्या होता है, ब्याज होता है। अब ये यहां पर फिक्स होता है कि ब्याज जो है कितना प्रतिशत होगा। जैसे अगर 10 रुपया लिया जा रहा है तो मकान मालिक ने सोचा कि चलो ठीक है 100 रुपए का 10% हम इनसे ब्याज लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 10 रुपया हो जाएगा, बस वही दर हो जाती है। तो अभी वो आगे हम बात करेंगे। तो मूलधन क्या होता है कि जो धन आपको दिया जाता है, या आप उधार लेते हैं या किसी को उधार देते हैं, वही धन क्या होता है, मूलधन होता है। ठीक है, और ब्याज क्या होता है कि वो धन जब तक आपने अपने पास रखा है उसके बदले में जो आप देते हैं पैसा, वही क्या होता है, ब्याज होता है। ठीक है, क्या होता है दोस्तों, वही ब्याज होता है, मतलब एक तरीके समझिए किराया जो होता है। अब यहां पर बात हो रही है मिश्र धन क्या होता है। ठीक है, ये देखिए मूलधन को पी से लिखते हैं मतलब प्रिंसिपल से, ब्याज को आई मतलब इंटरेस्ट से, और मिश्र धन को अमाउंट कहते हैं, मतलब ए से डिनोट किया जाता है। तो आगे मैं इन्हीं का प्रयोग करने वाला हूं। ठीक है, अब देखिए मिश्र धन क्या होता है,
अब समझिए कि जैसे मान लीजिए एक महीने का आपने किराया दिया मकान मालिक को, अब मकान मालिक के पास ये जो 100 रुपया है ये वाला, और जो आपने ब्याज दिया 10 रुपया, ये अगर दोनों को हम एक साथ जोड़ दें तो ये हो जाता है आपका मिश्र धन। क्या होता है मिश्र धन? मतलब कि मिश्र धन में, मिश्र धन क्या होता है, अगर मूल धन में हम ब्याज को भी जोड़ दें तो यही क्या बन जाएगा, यही बन जाएगा आपका मिश्र धन। ठीक है, तो मूल धन आप समझ गए, ब्याज समझ गए और मिश्र धन समझ गए। अब ब्याज के बारे में थोड़ी सी आप चीज समझिए, ब्याज जो होता है ना ये दो प्रकार का होता है। एक होता है साधारण ब्याज, कैसा होता है साधारण ब्याज होता है जिसे आप सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, और एक होता है आपका चक्रवृद्धि ब्याज। कौन सा? चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि का मतलब क्या होता है कि वो चक्र की तरह बढ़ रहा है गोल गोल, जैसे कि यहां से आप चले यहां आए अब फिर ये बढ़ जाएगा, फिर यहां आए तो फिर बढ़ जाएगा, इस तरीके से ये चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो इसको आपको समझना है होता क्या है। देखिए साधारण ब्याज जो होता है वो आपका मूलधन पर लगता है और हमेशा उतना ही होता है, वो बढ़ता घटता नहीं है। जैसे अगर आपका 100 रुपए पे एक महीने का 10 रुपया ब्याज लग रहा है तो ये अगले महीने में भी 10 रुपया लगेगा, उसके अगले महीने में भी 10 रुपया लगेगा और उसके अगले महीने में भी 10 ही रुपया लगेगा। ठीक है, लेकिन जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है ये मिश्र धन पे लगता है। किस पे लगता है? मिश्र धन पे लगता है। जैसे पहले महीने में आपने 100 रुपए पे कितना ब्याज दिया? 10 रुपया ब्याज दिया पहले महीने पे। अब दूसरे महीने पे जब आपको ब्याज देना होगा तो अब ये जो इतना पैसा है ना 100 रुपया और ये 10 रुपया, ये आपका जो मिश्र धन बनता है यही अगले महीने के लिए मूलधन हो जाता है। मतलब कि हर महीने मिश्र धन क्या होता रहता है, मूलधन बनता रहता है। मतलब कि 100 रुपया जो पहले मूलधन था अब अगले महीने में 110 रुपया मूलधन बन जाएगा, उस पे ब्याज लगेगा। मतलब हमेशा मिश्र धन पे तो अगले महीने में 110 पे ब्याज देंगे, अब अगले महीने में जितना होगा तो अब 110 का 10% जितना होगा मतलब 11 रुपया अब ब्याज लगेगा अगले महीने में। तो अब अगले महीने में कितना, 110 प्लस 11 मतलब 121 रुपया। तो अब इस तरीके से ब्याज लगना शुरू होता है। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज होता है, इसको मैं अगली क्लास में पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये आपको पढ़ना है यहां पर साधारण ब्याज। अब देखिए ब्याज जो होता है, ठीक है ये तो आप समझ ही गए क्या होता है, तो जो बदले में आप किराया देते हैं वो ब्याज होता है। अब समझिए इसके अलावा भी आपको कुछ चीजें समझनी है। ब्याज की दर जिसे आप कहते हैं रेट, और फार्मूले में आप आर लिखते हैं। ठीक है, ब्याज की दर क्या होती है दोस्तों? देखिए प्रति 100 रुपए मूलधन पर देखिए प्रति 100 रुपए मूलधन पर जितना पैसा आप किराया देते हैं वही आपका ब्याज होता है। मान लीजिए 100 रुपए के मूलधन पर आप 15 रुपया किराया दे रहे हैं तो यही आपका परसेंट हो जाएगा, कितना 15% आप ब्याज दे रहे हैं, यही दर बन जाएगा। समझ गए आप? ये प्रति 100 रुपए पर लगता है, तो ध्यान दीजिएगा 100 रुपए पर ही ब्याज होता है, ये जो दर होता है वो 100 रुपए पे लगता है, ये ध्यान दीजिएगा। इसी से आपका फॉर्मूला अभी डेवलप होने वाला है। कैसे? देखिए अगर जो है मान लीजिए मूलधन आपका 1000 है, ठीक है, और मैंने कहा कि दर जो है 5% दर है। ठीक है, अब आपको क्या समझना है, 5% दर का मतलब ये 100 रुपए पे लग रही है ना 5%, तो 100 रुपए पे अगर 5% जो है ब्याज लग रहा है आपका, ब्याज की दर 5% है, तो मैं कहूं कि 1 रुपए पे कितना होगा, तो 1 रुपए पे होगा 5/100, कितना होगा 5/100 होगा। अब 1 रुपए मूलधन पे अगर 5/100 ब्याज लग रहा है तो 1000 पे कितना लगेगा, तो आप तुरंत कहेंगे 1000 पे कितना लगेगा, 5/100 और गुणे में 1000। ठीक है, समझ गए कि नहीं आप? अब देखिए ये 5 आपका क्या था, दर था, क्या था दर, ये 1000 क्या है, मूलधन है। समझ गए आप? मूलधन, और बटे में 100 क्यों आया, क्योंकि 100 पर लग रहा है इसीलिए 100 से भाग हुआ यहां पर, ये समझ गए आप? यही से आया है क्या, यही आपका हो जाएगा ब्याज। ठीक है, यही तो सिंपल ब्याज, साधारण ब्याज। ठीक है, यही आपका साधारण ब्याज बनेगा। अब आप कहेंगे सर समय से गुणा होता है, क्यों? तो आप ये समझिए कि ये जो दर, ये जो ब्याज आपका निकला है, ये एक महीने एक साल जो भी आपका दर दिया होगा, अब ये समझिए आप,
दर जो होती है ये आपको या तो मासिक होगी, मतलब एक महीने की, या तो आपकी कैसी होगी, तिमाही होगी 3 महीने की, या तो आपकी छमाही होगी मतलब 6 महीने पे ब्याज लगेगा, या तो आपकी वार्षिक होगी, जैसा आपको प्रश्न में दिया हो उसी तरीके से आपका ब्याज लगेगा। ठीक है, अगर ये 5% मासिक दिया है तो ये 1 महीने का है, आपसे अगर 5 महीने का पूछेगा इसी में 5 से गुणा कर देंगे ना, 1 महीने का आपको पता है तो 5 से आप गुणा कर देंगे, तुरंत आपका निकल जाएगा ये। और ये 5 क्या हुआ, समय हो गया, इसीलिए जो है समय से गुणा होता है कि जितने महीने साल तिमाही जो भी है उतने से गुणा कर देंगे आप। डन है, दिमाग में एकदम सेट हो गया होगा आप, अब नहीं भूलेंगे आप। तो यहीं से आपका फॉर्मूला क्या निकल के आया कि ये जो साधारण ब्याज है इसमें मूलधन दर और समय का गुणा करके 100 से भाग दे देते हैं, तो जो आपका ये वाला, जो आपका ये वाला जो फार्मूला है यही फार्मूला आपका बन जाता है, बस उसको थोड़ा सा इधर उधर कर लिया आपने। डन है, तो इतनी सारी चीजें तो आप समझ ही गए होंगे। तो दर मासिक, तिमाही, छमाही, वार्षिक, जैसा भी होगा उसी तरीके से आप काम करेंगे। कैसे, आप समझिए, यहां पर आपको अब समझना है कि समय, ठीक है, दर आप समझ गए, प्रत्येक 100 रुपए पे होती है दर, तो यही आपको समझना है। समय क्या होता है, समय को आप टाइम लिखते हैं टी से, ठीक है। समय क्या होता है कि जितने समय के लिए आप धन ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उधार ले रहे हैं या किसी को दे रहे हैं, वही आपका टाइम होता है। अब टाइम क्या होगा, देखिए ये समय जो है आपको या तो वर्ष में दिया होगा, ठीक है, या तो आपको माह में दिया होगा, या तो आपको तिमाही में दिया होगा, जो भी आपको दिया हो समय आप क्या करेंगे, इसको बदल लेंगे किसमें, जिसमें आपका दर दिया होगा। अगर दर आपका मासिक दिया है तो समय को आप महीने में बदल लेंगे, दर आपका तिमाही दिया है तो समय को तिमाही में बदल देंगे, दर छमाही दिया है तो समय को छमाही में बदल देंगे, वार्षिक दिया है तो वर्ष में बदल देंगे। कैसे, समझिए, मान लीजिए आपसे कहा कि दर जो है ये वार्षिक है, कैसी है, वार्षिक है, और आपसे पूछा कि अगर मैं 18 माह के लिए धन लेता हूं या देता हूं तो आप बताइए। अब आपको क्या करना है कि दर जब वार्षिक है तो फॉर्मूले में रखने से पहले आप 18 नहीं रख सकते, आप 18 माह को किसमें बदल लीजिए, वर्ष में। वर्ष में बदलने के लिए आप क्या करेंगे, एक वर्ष में जितना महीना होता है, माह है ना, तो जितना महीना होता है उसी से भाग दे देंगे, तो ये आपका कट जाएगा, 6 दुनी 12, 6 3 18, मतलब 3/2 वर्ष हो जाएगा ये। मान लीजिए अगर दर आपकी तिमाही में दिया है, ठीक है, दर आपकी तिमाही में दिया है और कहा कि एक वर्ष के लिए समय आपका कितना कितना दे दिया, एक वर्ष दे दिया समय आपका, ये टी है समय आपका। अब आप इसको क्या करेंगे, एक वर्ष को आप तिमाही में बदल लीजिए, एक वर्ष में 12 महीने और एक वर्ष में कितना तिमाही, तो एक वर्ष का आप 3 3 का अगर जोड़ा बनाएंगे तो 4 तिमाही, 3 से भाग दे दीजिए 12 में, 3 चौक 12, 4 तिमाही, तो क्या हो जाएगा, आप जो है इसमें क्या करेंगे, आप इसमें भाग दे लीजिए 3 माह से, आप भाग दे देंगे तिमाही से, तो कितना तिमाही हो जाएगा, 4 तिमाही हो जाएगा एक वर्ष में। ऐसे ही छमाही निकाल लीजिए, एक वर्ष में कितना छमाही, 2 छमाही हो जाएगा, है ना। तो ब्याज जैसे दी होगी आप ब्याज का दर उसी तरीके से रख लेंगे, जैसे ब्याज की दर होगी माह में दिया है, वर्ष में दिया है, तिमाही में, तो उसी तरीके से आप समय को चेंज कर लेंगे। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आ गया होगा, मूलधन का, मिश्र धन का, ये सब। अब यहां पर कुछ फार्मूले मैं आपको बताता हूं, जैसे आप वाला समझ गए होंगे, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन मतलब क्या होता है, पी प्रिंसिपल, मूलधन गुणे दर मतलब आर, और गुणे समय मतलब टी, और बटे में 100, ये आपका होता है, ठीक है। अब मिश्र धन क्या होता है, तो मैंने बताया मिश्र धन जो होता है मूलधन में आप ब्याज को क्या करिए, जोड़ दीजिए, मिश्र धन बन जाएगा। यहीं से आप अलग अलग भी निकाल सकते हैं मूलधन को, इधर उधर जब करेंगे कैसे, मूलधन अगर यहां से मैं पूछूं मिश्र धन के रूप में तो क्या होगा, मिश्र धन माइनस ब्याज। अब इसको कॉन्सेप्ट से समझ लीजिए, मान लीजिए 100 रुपया आपका मूलधन था, ब्याज 10 रुपया हुआ, तो मिश्र धन 110 रुपया हो गया। अब मैं पूछूं कि मूलधन बताइए, तो अगर मिश्र धन 110 रुपया है, ब्याज 10 रुपया, तो घटाएंगे तभी तो 100 आएगा। और इसी तरीके से आप चाहें तो यहां से ब्याज का फार्मूला निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा, ब्याज बराबर आपका हो जाएगा मिश्र धन मतलब ए, और माइनस मूलधन मतलब पी, ठीक है, ये ब्याज का। अब ये सिंपल ब्याज का, तो यहां से आपका फार्मूला ये वाला मेन वाला है ही। अगर आपको आर निकालना हो मतलब दर निकालनी हो तो आप क्या करेंगे,
तो तिरछा गुणा कर लीजिए, तो सिंपल इंटरेस्ट गुणे में 100 और बटे में क्या बचेगा, आर निकालना है तो पी गुणे टी बचेगा, ठीक है, पी गुणे में टी बचेगा। अगर आपको टी मतलब समय निकालना हो तो क्या हो जाएगा, यहां टी की जगह पर आर, एस आई गुणे 100 और बटे में पी गुणे में आर हो जाएगा। अगर आपको इसमें से पी निकालना हो, मूलधन निकालना हो, तो क्या हो जाएगा, एस आई गुणे में 100 बटे में जो है पी नहीं रहेगा, बटे में टी गुणे में आर। तो ये आपका पी वाला मतलब यही फार्मूले आपके सारे बनेंगे। तो मेन आपका ये फार्मूला है और ये यही दो चीजें आपको समझ के चलनी है। उम्मीद करता हूं कि जो कॉन्सेप्ट है आप समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, ठीक है, चलिए। पहला जो है ये टाइप वन है, तो इसमें सारे हमने साधारण क्वेश्चन ही रखे हैं, ठीक है। देखिए थोड़ा सा सेशन भले लंबा जा रहा है आप लोगों का, लेकिन आपको समझ में आएगा, एकदम बेसिक से सारी चीजें आपको समझ में आने वाली है। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है साधारण ब्याज में तो भी आप सारे सवाल लगा ले जाएंगे। देखिए पहला प्रश्न, 500 की धनराशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से, तो आप तुरंत लिखिए मूलधन क्या है आपका 500, मूलधन मतलब क्या हो गया पी बराबर 500, दर क्या है आर, आर बराबर क्या है 5% वार्षिक। तो ये जरूर आप ध्यान देंगे कि वार्षिक है कि छमाही, 5% क्या है वार्षिक है। और कितना समय है, तो 2 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, तो टी कितना है 2 वर्ष। तो आपने देखा दर भी वार्षिक है, समय भी वर्ष में दिया, मतलब बदलने की जरूरत नहीं है। साधारण ब्याज बताना है तो यस आई बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मूलधन मतलब पी गुड़े में आर गुड़े में टी और बटे में 100। तो कैसे करेंगे, 500 गुड़े 5 गुड़े 2 बटे में कितना हो जाएगा 100, तो 0 0 काट दीजिए, बचेगा 5 25 2 50। तो आपका उत्तर हो जाएगा ₹50 ब्याज मिलेगा। आपको मैं बेसिक समझा देता हूं। अगर मैंने कहा कि जो दर होती है ये प्रत्येक ₹100 पे मिलती है, मतलब अगर ₹100 पे ₹5 ब्याज मिल रहा है, तो मेरे भैया आप क्या करेंगे, 500 में कितना 100 की नोट आएगी, 5 नोट आएगी ना 100 100 की, इसका मतलब 5 बार ₹5 5 मिलेगा, हर 100 की नोट पे ₹5 ब्याज, 500 की नोट पे ₹25 ब्याज, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए कितना ₹50 ब्याज, डन है। चलिए दूसरा प्रश्न आपका है कि ₹1500 का धन ये 6% वार्षिक दर से, ठीक है, तो आप समझिए यहां 1500 आपका क्या मिल गया, ए बराबर पी बराबर हो गया 1500, ठीक है, ₹1500 पी हो गया, ये थोड़ा सा सही से बनाते हैं, आपका हो गया ₹1500 पी हो गया वार्षिक दर। तो दर आपकी कितनी है, मतलब आर बराबर क्या है 6% वार्षिक है, क्या है 6% वार्षिक है। और समय आपका कितना दिया है, टी, टी मतलब टाइम मतलब समय, अभी एक आध दो बार मैं ऐसे लिखूंगा उसके बाद आप समझने लगेंगे, पी मतलब है मूलधन, ठीक है। यहां समय आपका कितना दिया 18 माह, लेकिन मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि दर जिसमें होगी आप उसको समय को उसी में बदल लीजिए, तो 18 माह को आप वर्ष में बदले थे, कितना आया था 3/2, कैसे बदले थे, इसी में 18 में जितना महीना होता है 1 साल में उसी से भाग कर दीजिए, ठीक है, तो भाग करेंगे तो 6 3 18 और 6 2 12 3/2 वर्ष हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा वर्ष में बदल गया। अब देखिए आगे, मतलब आपका समय भी मिल गया, मूलधन भी है, दर भी है, आपको क्या बताना है, मिश्र धन बताना है, ठीक है। तो मिश्र धन बताने के लिए आप क्या करेंगे, पहले आपको ब्याज निकालना होगा, ब्याज निकाल के मूलधन में जोड़ देंगे, आपका मिश्र धन पता चल जाएगा। तो चलिए सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, देखिए साधारण ब्याज हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो मूलधन, मूलधन मतलब 1500, मूलधन गुणे दर मतलब 6%, 6 हो गया, गुणे समय, समय मतलब 3/2, और पूरे का बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, काट लीजिए, कैसे काटेंगे, देखिए ध्यान से काटिएगा एकदम, ये 2 0 कट जाएगा और ये 2 जो है बटे में है तो नीचे आ जाएगा सबसे, मतलब 15 × 6 × 3 और पूरे के बटे में 2। अगर मैं यहां पे काटा नहीं होता तो बटे में 100 भी आता, जो लोग बेसिक से समझ रहे हैं वो समझ लेंगे। अब यहां से आप काट दीजिए 2 3 6, तो 3 3 9 और 15 9 कितना होता है ₹135, ठीक है, समझ गया ना। तो अब आपका कितना, ये हो गया आपका ब्याज, आपसे पूछा है मिश्र धन, तो मिश्र धन मतलब होता है ए, और ए बराबर क्या होता है पी प्लस एस आई मतलब सिंपल इंटरेस्ट, पी आपका है ₹1500 और आपका इंटरेस्ट कितना 135 साधारण ब्याज, तो ₹1635 क्या हो जाएगा आपका मिश्र धन हो जाएगा, जो कि आपसे पूछा गया है, ऑप्शन बी वाला आपका सही हो जाएगा।
अगला हमारा प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, इसका उत्तर देखते हैं कितने लोग सही दे पाते हैं। ठीक है, देखिए, यदि रुपया एक पर एक माह का साधारण ब्याज एक पैसा है, ठीक है, अब समझिएगा तो वार्षिक दर प्रतिशत कितना होगा। बहुत बेसिक से आपको बताना है, बेसिक एकदम आसान, बिना कलम उठाए आप उत्तर दे सकते हैं। कैसे, देखिए यहां पर कहा जा रहा है रुपया एक है और ब्याज पैसे में मिल रहा है, तो अगर हम मूलधन कितना है, मूलधन आपका जो है पी बराबर कितना है एक रुपया, और इसी को हम पैसे में बदल दें तो सौ पैसा क्या हो जाएगा, सौ पैसा। आपका ब्याज कितना मिल रहा है, एक पैसा, ये दर नहीं है ये ब्याज है, देखिए मैंने यहां दर लिख दिया, ये आपका ब्याज मतलब रुपया है, ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज है, एक पैसा अगर साधारण ब्याज मिल रहा है। मैंने बताया था कि जितना ब्याज प्रति सौ पर मिलेगा वही दर बन जाती है, तो प्रति सौ पर कितना ब्याज मिल रहा है, एक मिल रहा है, मतलब एक पैसा मिल रहा है, तो कितना हो जाएगा, एक पैसा जो है मतलब एक प्रतिशत ब्याज हो जाएगा। लेकिन मेरे भैया ये जो ब्याज मिल रहा है ये कैसा है, ये मासिक है, कैसा है, ये मासिक है, और आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि वार्षिक दर प्रतिशत, वार्षिक दर बताना है, आर किसमें बताना है, वार्षिक बताना है, मतलब वर्ष वाला बताना है। तो अगर एक माह में एक प्रतिशत है तो 12 माह में कितना हो जाएगा, 12 प्रतिशत हो जाएगा, तो वार्षिक जो दर होगी आपकी कितनी हो जाएगी, 12 प्रतिशत हो जाएगी। तो ये आपको याद करके चलना है, डन है, गलती नहीं होगी ना, बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए, डन है, आगे चलते हैं। तो आपका सी वाला उत्तर क्या हो जाएगा, एकदम राइट हो जाएगा, कोई भी समस्या इसमें नहीं आनी चाहिए, चले आगे। चलिए, अगर आपको कोई भी प्रश्न ऐसा है जो समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, नेक्स्ट क्लास में मैं उस क्वेश्चन को दोबारा से आपको समझा दूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होने पाएगी। अगला प्रश्न है आपका चौथा वाला, कि 67,400 की एक राशि पर 14 महीनों का साधारण ब्याज 4,718 रुपया है, तो ब्याज की दर बतानी है आपको, तो दर क्या होती है, देखिए दर जो है आपकी आर बराबर होती है एसआई सिंपल इंटरेस्ट गुड़े में 100 और बटे में क्या होता है पी इंटू टी, पी गुड़े टी मतलब कि मूलधन गुड़े समय, वो फार्मूला आपको याद हो जाएगा, वाला याद होगा पहला वाला, तो वहीं से सब कुछ करके निकाला गया है। अब सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज कितना है, तो ब्याज आपका कितना है 47,18 रुपया गुड़े में 100 है बटे में पी मतलब मूलधन 67,400। तो आप कहेंगे सर जी कितना आसान आसान सवाल दे रहे हैं, अभी आसान है, अभी आगे मिलेगा, अभी पिछला वाला था ना थोड़ा घुमाने वाला, ऐसे अभी और मिलेंगे। और गुड़े में टी कितना है 14 महीना, तो यहां पर ब्याज की दर वार्षिक पूछ रहा है, तो इस महीने को आप किसमें बदल लेंगे, वर्ष में, तो 14 माह को वर्ष में बदलने के लिए 12 से भाग देंगे, काट दीजिए 2 × 14 = 2 × 12 मतलब 7/6, ये वर्ष में बदल गया, बस आपका काम तमाम हो गया ही, तो आप 7/6 लिख दीजिए, 6 जाके ऊपर गुणा हो जाएगा, ठीक है, तो मैं 0 यही काट दे रहा हूं और 6 से ऊपर गुणा मतलब कि 47,18 गुणे में 6 बटे में 674 गुणे 7, यही आपको काटना है। अब आप जो है 7 से इसको काट दीजिए, कैसे काटेंगे, 7 × 42 मतलब 6 बचा कितना 5 = 51 हो गया, तो 7 × 49 2 = 51 2 बचा तो 28 हो गया, और 7 × 21 7 × 28 कितना हो गया 674, देखिए 674 गुणे 6 और बटे में 674 ही तो बचा, जब 7 कट गया 674 से 674 कटा, बचा 6 जो है प्रतिशत, क्या हो जाएगा, ये दर है ना, तो दर हमेशा प्रतिशत में मतलब 6% आपका उत्तर आ जाएगा। बताइए कहां समस्या आई, कहीं नहीं आएगी, अगर आप 0 से पढ़ रहे तो भी कहीं समस्या नहीं आएगी। अगला प्रश्न है, एक राशि पर 10 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 5% के बराबर है, एकदम जबरदस्त सवाल है, करके दिखाइए आप लोग धड़ाधड़ से करके दीजिए, ठीक है। तो देखिए यहां पर आपको मैं दो तरीके बताने वाला हूं और दोनों तरीके आपको अच्छे से समझ के चलने हैं, ठीक है, दो तरीके मैं बताऊंगा, उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएंगे दोनों तरीके, ठीक है, एक मिनट रुकिए, मैं इसको जो है थोड़ा सा मैं एक और पेज बना देता हूं, क्योंकि दूसरा तरीका जो मैं आपको बताऊंगा
उसमें आपको जरूरत पड़ेगी। चलिए यहां पर हम लोग अब हल करना शुरू करते हैं। पहले बेसिक तरीका, ठीक है, एकदम बेहतरीन वाला, तो बेसिक वाले से ही हम लोग कोशिश करेंगे कि लग जाए। देखिए कहा जा रहा है एक राशि पर, एक राशि मतलब आपका मूलधन होता है, तो अगर आपको नहीं दिया तुरंत मान लीजिए कि एक राशि है कितना एक्स, मान लीजिए वो क्या है आपका मूलधन है एक्स। अब कहा जा रहा है कि एक राशि पर 10 वर्षों का साधारण ब्याज कितना है, मूलधन के 5% के बराबर है। तो साधारण ब्याज कितना है, सिंपल इंटरेस्ट, कहा जा रहा है कि जो साधारण ब्याज है मूलधन के 5% के बराबर है। मूलधन आपने मान लिया एक्स, और एक्स का 5% मतलब 5/100 के बराबर है। कितना है, 5/100 के बराबर है, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, आप काट दीजिए तो 20/100 मतलब एक्स बटे 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एक्स बटे 20 हो जाएगा आपका साधारण ब्याज, ठीक है। तो अब देखिए आगे क्या करना है, यहां पूछा है कि कितने वर्षों में ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा, कितने वर्षों में ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। अब कहा जा रहा है कि ब्याज और मूलधन SI और मूलधन को बराबर करना है आपको, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे, यहां देखिए SI सिंपल इंटरेस्ट आपका है, तो SI बराबर क्या हो जाता है, SI बराबर हो जाएगा आपका P गुड़े R गुड़े T और बटे में 100। तो यहां पर आपसे पूछा है कि कितने वर्षों में, आपसे समय पूछा गया है, ठीक है, तो समय आपको बता देना है, अभी फट से आप समय निकाल लेंगे। तो यहां पर देखिए, या तो आप समय वाला फार्मूला सीधे सीधे लिख दीजिए ताकि आपको ज्यादा काम ना करना पड़े। तो समय वाला फार्मूला क्या है, टी बराबर आपका SI गुड़े में 100 और बटे में क्या आपका आएगा P और गुड़े में R। तो अब यहां पर देखते हैं हम लोग क्या हो जाएगा, चलिए हाँ ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए यहां पर SI आपको क्या करना है, आप SI तुरंत लिख दीजिए, SI आपका कितना है दोस्तों, ब्याज मूलधन के बराबर आपको दिखाना है। चलिए SI की बात हम करते हैं, SI कितना है आपका, SI आपका हो गया एक्स बटे में 20, ठीक है, और गुड़े आपका क्या हो गया दोस्तों, गुड़े में हो गया आपका 100 और बटे में P कितना है, P आपका एक्स है, ठीक है। एक मिनट, यहां पे कुछ हम लोग समस्या हो रही है। देखिए यहां पर आप लोग थोड़ा सा पहले समझिए, ये जो बेसिक है उसको पहले क्लियर करिए आप। यहां पर जो आपका आया है, देखिए यहां पर समस्या कहां पे आई है, समस्या एक जगह आई है कि जो हम लोगों ने यहां पर निकाला है, ठीक है, ये चीज आपकी थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, ठीक है। यहां से आपको दर निकाल लेना है, भाई दर कहां निकाला हम लोगों ने, अभी दर की जरूरत पड़ेगी, तो दर आप कैसे निकालेंगे, यह साधारण ब्याज आपको पता चल गया, यहीं से आप दर निकाल लीजिए। देखिए यहीं पे समस्या हो रही है, दर आपको निकालना है, पहले जब दर आपको पता रहेगा तभी तो आप निकालेंगे कि कितना होगा कितने समय में। तो दर कैसे निकालेंगे, आर बराबर होता है SI गुड़े में 100 और बटे में क्या होता है, बटे में होता है P और गुड़े में होता है T। तो इस वाले से आप हल करके ब्याज की दर निकाल लेंगे। ब्याज की दर आप कैसे निकालेंगे, देखिए SI कितना है आपका हो गया एक्स बटे में 20, मतलब कि ब्याज कितना था एक्स बटे 20 गुड़े 100 और बटे में आप देखेंगे पी कितना है, तो आपने माना है ना PX है और गुड़े में क्या है T, तो T अभी इसके लिए निकाल रहे हैं 10 वर्ष, कितना है 10 वर्ष है आपका। बस यहीं से आप फटाफट X से X कट गया और ये जो है दोनों जीरो और ये जीरो कट गए, अब बचा कितना 1/2%। तो R आपका कितना हो गया 1/2% हो गया। अब आपको समझना है, ये आपका दर हो गया, आपको समय बताना है, और यहां पर कहा जा रहा है कि जो ब्याज है वो मूलधन के बराबर हो जाए, मतलब कि SI बराबर P हो जाए, ठीक है। तो ये आपकी शर्त है, SI बराबर P होना चाहिए, समय पूछा है, तो आपको पता है जो समय का फॉर्मूला है वो क्या है, समय का फॉर्मूला आपका है, मैं थोड़ी सी जगह यहां पर कर देता हूं। देखिए बेसिक समझिए, हम लोगों ने बेसिक पे ध्यान नहीं दिया इसीलिए चीज गलत होने जा रही थी, ठीक है। अब ये शर्त है कि SI बराबर P होना चाहिए, समय बताइए कितने में, तो समय आप कैसे बताएंगे, देखिए P का फॉर्मूला क्या होता है, SI गुड़े में 100 और बटे में कितना होता है P गुड़े में क्या होता है, P गुड़े में R, इसीलिए तो R आपने निकाल लिया है पहले। अब समझिए, कह रहा है कि SI और P दोनों बराबर होना चाहिए, अगर SI X है P भी क्या हो जाएगा X हो जाएगा,
ठीक है, तो मान रख दीजिए यहीं पर, यहीं पर बराबर करिए एसआई को एक्स कर दीजिए गुड़े में 100 और बटे में पी को एक्स कर दीजिए गुड़े में आर कितना है, आर है 1/2। ठीक है, एक्स से एक्स कट गया, मतलब यहीं भी आप काट सकते थे, एसआई और पी जब बराबर हो जाएगा तो कट जाएगा। अब यहां पर 2 जाके ऊपर गुड़ा हो जाएगा, मतलब कितना 200 वर्ष आपका समय हो जाएगा, मतलब आपका डी वाला उत्तर एकदम सही हो जाएगा। समझ गए आप, सिंपल। अब जो ट्रिकी तरीका थोड़ा सा वो समझ लीजिए, यहां पर आपको दिया है 10 वर्षों का 5% दिया है, तो आप क्या करेंगे ये 5% को आप बदल लीजिए तुरंत। ठीक है, कैसे बदलेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 5/100 हो गया, ये आपने परसेंटेज हटा दिया, एक वर्ष का 10 वर्ष का है तो 10 से आप गुणा कर दीजिए, आपने काट दिया तो बचा कितना 5/10, मतलब हो गया 1/2%। ये आपका आर निकल गया, जो अभी वहां पर आर ने जो आर को जो आपने इतना बेसिक से निकाला है ये आर आपका पहले ही आ गया। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे यहां पर आ जाइए, ट्रिक वालों के लिए है, आप यहां पे आइए कि ब्याज मूलधन के बराबर होना चाहिए, मतलब एसआई बराबर पी होना चाहिए, तो आप फार्मूला लगाइए टी बराबर एसआई गुड़े में पी, एसआई गुड़े 100 और बटे में पी गुड़े में आर। अब आप लगाइए एसआई और पी अगर बराबर है तो कट गया तो 100 ऊपर बचा और नीचे आर मतलब 1/2, 2 से ऊपर गुड़ा मतलब 200 वर्ष। ये आपका एकदम सिंपल वाला है, इसीलिए मैंने बेसिक आपका क्लियर कराया। 5% मतलब क्या होगा, यही तो दर हो जाएगी 100 रुपए पे, 10 वर्षों में मिला है ये ब्याज है 5%, 10 वर्षों में मिला है तो आप क्या करेंगे इसको प्रतिशत को पहले धन में बदलिए, 10 से आप गुणा कर लीजिए, आपका काम हो गया। ठीक है, तो ये वाला दर आपका यहां से आप ऐसे भी लगा सकते हैं, आप बेसिक वाला अगर आप सीख गए हैं तो बेसिक आपका बिल्कुल आसान हो जाएगा, ऊपर वाले से आपने आर निकाला और नीचे वाले से आपने हल कर लिया। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका हो गया। अब दोस्तों अगला आपका टाइप आएगा टाइप 2, और टाइप 2 जो है हम लोग कोशिश करें कि कल पढ़े तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अगर ये हो कि हाँ बेसिक कल पढ़ा जाए, क्योंकि जो है ये वाला कल पढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जाएगी तो आपको पढ़ने में मजा नहीं आएगा, अगली क्लास में हम लोग 2-3 टाइप आराम से कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो 1-2 क्लास और आपका लगेगा, या एक ही क्लास में मैं पूरा साधारण ब्याज आपका समाप्त कर दूंगा अगली वाली क्लास में। ठीक है, तो कोशिश यही रहेगी, तो उम्मीद करता हूं कि बेसिक आपके समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे अगली क्लास में, और अगली क्लास आपकी अब परसों होगी, तब तक आप इसका अभ्यास करते रहिएगा। अगली क्लास परसों कराऊंगा, अगली क्लास में मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि अब बेसिक बताना नहीं तो क्वेश्चन सब लोग ज्यादा कर पाएंगे, तो अगली क्लास में सारे टाइप जो भी आपके आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे मैं वो सारे टाइप आपके क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, तैयारी एकदम अच्छे से करते रहिए।